परिषद बजरंग दल की चल करंजी बजरंग Hey guys, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। और गाइज ये वीडियो रहने वाली है वैलेंटाइन डे के ऊपर। गाइज अभी सुबह के 4:40 हो रहे हैं और आज माइकल थोड़ा जल्दी उठ चुका है क्योंकि गाइज आज GTA 5 में बजरंग दल का तहलका होने वाला है। माइकल तो इन चीजों में विश्वास नहीं रखता, बट जो फ्रैंकलिन के साथ हुआ ना उस वजह से माइकल ने सोचा है कि आज तो बजरंग दल का तहलका मचना चाहिए GTA 5 में। सबसे पहला काम मेरा होने वाला है, मुझे पिक करना है फ्रैंकलिन को, एंड देन मैंने कॉल करके ड्राइवर को तो बुला ही दिया है, वो भी रहना चाहिए साथ में, और साथ ही साथ मेरा एक बॉडीगार्ड, मतलब मेरे दो बॉडीगार्ड थे बट यार एक बॉडीगार्ड ने धोखा दे दिया और उसकी कहानी थोड़ी फ्रैंकलिन से मिलती जुलती है जिससे कि माइकल को बहुत गुस्सा आ रखा है। वो भी कहानी मैं रास्ते में बताऊंगा चलते चलते। गाइस अभी माइकल फिलहाल के लिए तो अपने बॉडीगार्ड को बुला रहा है मैसेज करके क्योंकि यार कॉल तो वो उठा नहीं रहा है, तो अभी देखते हैं वो भी तैयारी कर रहा है। मतलब माइकल ने उसे बोला है कि यार मेरी एक मस्त सी कार में आना, मतलब वो कार मैं अभी आपको दिखाऊंगा, नाम रिवील नहीं करूंगा, आप खुद ही देख के समझ जाओगे यार बहुत मस्त कार है वो, तो चलो यार बाहर चलते हैं। गाइज अभी बॉडीगार्ड का कॉल आया कि वो बाहर खड़ा हो गया है गेट के, तो अभी तो दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ थोड़ा। अच्छा आ चुका है गाइज फाइनली हमारा बॉडीगार्ड, तो फोन को अंदर रख लेते हैं। ये देखो गाइज तो ये कार है वो जो मैं कह रहा था मत सी कार में आने वाला है मेरा बॉडीगार्ड। फटाफट से चलते हैं गाइज, बॉडीगार्ड को ही बोलते हैं फटाफट से बैठने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ एक क्लोथ की शॉप पे जहाँ से मेरे को ऑरेंज कलर की टी शर्ट अवेलेबल हो जाए जिससे कि यार लगे कि बजरंग दल आ चुका है मार पिटाई करने के लिए। तो दो दुकानें तो हमने देख ली यार, वहाँ पे तो हमें मिली नहीं, काफी टाइम हो चुका है। फटाफट से मेरे को टी शर्ट लेनी है और फ्रैंकलिन को पिक करने जाना है। ये रही टी शर्ट, मिल चुकी है फाइनली, इसे फाइनल कर देते हैं हम। चलो यार फिलहाल के लिए चलते हैं फ्रैंकलिन को पिक करने के लिए। वैसे गाइस जब तक मैं फ्रैंकलिन को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ तब तक मैं वो हादसा सुनाता हूँ जो फ्रैंकलिन के साथ हुआ है। गाइस 13 फरवरी की नाइट को फ्रैंकलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था बीच में, और ये देखो कितने मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस तभी बीच में एक ट्विस्ट आता है, और गाइस दूसरी तरफ मेरा जो बॉडीगार्ड था दूसरा वाला वो फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड को बहुत ही पसंद करता था। और गाइस ये जो कार देख रहे हो ये माइकल के गैरेज से उठाई हुई कार है, इसने सोचा है कि यार कार लेके जाऊंगा तो वैंकर बंदी बंदी पड़ जाएगी, तो फिर ये क्या करता है गाइस कार में बैठता है और फटाफट से उधर ले चलता है अपनी गाड़ी को। तो गाइस ये फटाफट से जाता है और सोचता है कि यार आई होप काम तो बन जाएगा, और ये बिल्कुल मुंह के आगे रोक देता है गाड़ी और उतरता है। और यहाँ पे जो बॉडीगार्ड था वो फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड को कन्विंस कर रहा है कि यार मेरे साथ चलो, और फ्रैंकलिन को देखो यार उसकी हालत खराब हो रही है, मतलब वो सोच रहा है कि ये चल क्या रहा है। वेट, और ये देखो यार उसकी गर्लफ्रेंड कन्विंस हो गई और यहाँ पे वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं। गाइस अभी तक फ्रैंकलिन तो चुप था बट अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है और अब फ्रैंकलिन को गुस्सा आ रहा है, और जो ये बॉडीगार्ड था वो फ्रैंकलिन को जानबूझ के चिढ़ा रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखो यार उस बॉडीगार्ड ने फ्रैंकलिन में अटैक कर दिया बट फ्रैंकलिन भी कम नहीं है, फ्रैंकलिन ने भी मुक्के झाड़ दिया अपने भैंस की टांग, और ये देखो क्या डिफेंस कर रहा है फ्रैंकलिन। आज तो यार ये बचने नहीं वाला फ्रैंकलिन के हाथों से क्योंकि यार इसने बहुत दिमाग झाड़ दिया फ्रैंकलिन का, और ये उल्टे हाथ का रैपट, और ये बंदा ढेर बंदी ढेर, ये ले एक और ले एक और ले एक और ले, और तू वीडियो बनाएगी वीडियो बनाएगी, ले तू भी उल्टे हाथ का रैपट का, ये भी चित, और ये क्या कर रहा है इसको भी लात मार के साइड फेंक दो, अबे इसमें तो आग लग गई भयंकर ये तो ऑन द स्पॉट खत्म। और ये देखो गाइस ऐसे होश आया और ये भाग रही है अब यहाँ से, इसे पकड़ता हूँ रुको अभी बताता हूँ, बट छोड़ो यार क्या मारना है इसे, भागने दो उसको, एक लप्पड़ पड़ गया उल्टे हाथ का वही बहुत है। यहाँ पे फ्रैंकलिन ने सबको ढेर कर दिया बट उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने और बजा दी इसकी लात, और यार अब गाड़ी में भी लात मारने लग गया फ्रैंकलिन। फाइनली गुस्सा शांत हो गया और अब यहाँ पे फ्रैंकलिन थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो गाइस बस पहुंचने ही वाले हैं फ्रैंकलिन के यहाँ पे, और समझो कि हम पहुंच ही गए, यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं बिल्कुल स्टाइल से, और ये एंट्री, ये भाई साहब पीछे बैठ के आए थे भाई। और ये देखो गाइस ये गाड़ी में ना दो लठ रख के आया, लठ बोल रहा हूँ दो बेसबॉल बैट रख के आया था, तो यार कुछ तो अच्छा काम किया इस बॉडीगार्ड ने, यार ऐसे नहीं जाना चाहिए ना किसी के घर, उसको कॉल करके बुलाते हैं गाइस कि भाई फ्रैंकलिन बाहर आ जा, तो किधर है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ये रहा फ्रैंकलिन एट कॉल, वो हमें अंदर बुला रहा है, तो यार चलो जब बुला रहा है तो देखा जाए अंदर चल के। देखना ये है कि ये फ्रैंकलिन किधर बैठा हुआ मिल सकता है यार, वैसे इसके घर से लुक तो बड़ा मस्त आता है, और स्विमिंग पूल भी है भाई मैंने पहली बार, अबे ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे
मतलब कि भाई भाई का ब्रेकअप हो गया, मतलब इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे तू? फ्रैंकलिन ये देखो गाइस, ये पी के एकदम टून बना हुआ है और कितनी सारी बोतलें पी दी और ग्लास देखो कैसे रखे हुए इसने। भाई साहब गलत ही सीन हो रखा है इसके साथ, इस हालत में कैसे आएगा ये तहलका मचाने बजरंग दल का? तो गाइस मैं इसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि ये थोड़ा बहुत तो चल पाए और थोड़ा बहुत मतलब बल्ले से समझ रहे हो ना। हाँ तो चलो यार मैं इसे थोड़ा उठाता हूँ, इसके मुंह में पानी डालता हूँ। तो गाइस फ्रैंकलिन भी आ चुका है रेडी होके, अब देखना ये है कि यार ये ढंग से काम कर पाता है या नहीं। अबे तू हटना, अब देखो आजा भाई जल्दी आजा, इसने ज़्यादा ही पीली लग रहा है मुझे यार। एक बार बाहर निकल के देखता हूँ, क्या पता थोड़ी बहुत होश आ जाए इसे, मिनट इसे थोड़ा धक्का दे के आता हूँ तब क्या पता चलने लग जाए। अब शायद इसे होश आ गया है, आ गया है। बट गाइज इसकी हालत तो देखो एक बार, इसकी हालत देखो एक बार यार, कैसे दिखाऊँ मैं ये देखो। चलो गाइज बाहर निकलते हैं, बट यार अच्छी बात यह है कि इसे होश आ गया और ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल भी रहा है। और अच्छी बात यह है कि यार मैं अपनी ये वाली कार लेके आया हूँ रेंज रोवर, बिकॉज यार इसमें चार बंदों के लिए जगह हो जाती है। और वो देखो इस हालत में बनेंगे बजरंग दल, मतलब इस हालत में ये तहलका मचाएंगे बजरंग दल वाला। अब गाइज मैं ट्रेवर को फोन करके बुला देता हूँ कि भाई आजा, या फिर मेरे को उसको लेने जाना पड़ेगा। ओके गाइज तो मैंने कॉल लगा दिया है ट्रेवर को, अब देखते हैं यार ये आता है नहीं आता है। वैसे तो आएगा, मार पिटाई का नाम सुन के तो आना ही चाहिए उसे। तो चलो गाइस हमने ट्रेवर को भी बुला दिया, अब देखते हैं वो कहाँ पे खड़ा हो रखा है और हमारा वेट कहाँ पे कर रहा है। ये रहा ट्रेवर, यहाँ पे हमारा वेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने जीपीएस लोकेशन लगा दी है और चलो गाइस अब वहीं चलते। ओबे सॉरी इट्स नॉट माय फॉल्ट, अब फ्रैंकलिन बोल रहा था गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बट मैंने उसे नहीं दी यार, क्योंकि इसे दे दी तो फिर हो गया हमारा काम। गाइस वैसे मैंने इस कार में एक चीज नोटिस की यार, ये रेस जल्दी से पकड़ नहीं पा रही है, तो इस पे मेरे को बहुत सारी मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल के लिए इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं ताकि यार थोड़ा बहुत काम चल जाए आज के दिन के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ट्रेवर की लोकेशन में, बस देखना यह है कि वो कहाँ पे खड़ा हो रखा है। लोकेशन तो यहीं पे थी बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे भाई? आई होप ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इसने भी पी रखी है। अरे बैठ जा भाई। ओके गाइस तो हम आ चुके हैं फर्स्ट अड्डे में। यहाँ पे लोग इतने पिए हुए क्यों है? ये यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र भी खोलना पड़ेगा मुझे। अच्छा यहाँ से अंदर नहीं जा सकते क्या? कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसके पीछे क्लब है यहाँ पे जाएंगे। फाइनली होश आ गया और ये फ्रैंकलिन भी आ चुका है। चलो अब लग रहा है ना मस्त बजरंग दल। चल कर वगैरह से तो गाइस हम एंटर हो चुके हैं यहाँ के अंदर और देखते हैं यार किस किस का चक्कर चल रहा है यहाँ पे। अबे यहाँ पे तो यार वेपन ही अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या करें यार। चलो यार यहाँ पे यार हम कुछ कर नहीं सकते यार, दूसरी जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी अब। और ये फ्रैंकलिन को देखो, ये देखो इसे देखो ये देखो गाइज मैं सोच रहा हूँ मुझे जाना चाहिए बीच वाली जगह में, वहाँ पे मेरे को बहुत सारा मिल जाएंगे सब, तो वहाँ पे ज़्यादा चटकाने में मज़ा आएगा। तो फटाफट से चलते हैं। एक मिनट यार ये क्या, ये लोकेशन क्या आ रही है मेरे उसमें? एक काम करते हैं येलो डॉट की तरफ चलते हैं, ये कुछ तो बताना चाह रहा है मुझे। तो यार यहाँ पे ट्रेवर जरूरी काम से निकल गया अंदर और ये मुँह खोल के बैठा हुआ है। चलो गाइज कोई नहीं, ट्रेवर नहीं है तो हम तीनों काफ़ी हैं, मेरा बॉडीगार्ड और फ्रैंकलिन। तो यार चलते हैं, मैंने लोकेशन सेट कर दी है बीच की तरफ, तो फटाफट से वहीं मिलता हूँ मैं आपको। फाइनली हम आ चुके हैं बीच की तरफ और यहीं पे हम अपनी गाड़ी पार्क करने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते, इसके आगे हम ले जाएंगे अपना बल्ला। तो चलो मैं बैट पकड़ लेता हूँ हाथ में, टैब दबा के, ये रहा हमारा बल्ला। तो आज इसके बिना काम नहीं चलने वाला है और देखते हैं यार फ्रैंकलिन वगैरह आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे या नहीं। चलो आ ही रहा है, क्या ही बोलूँ यार। ये दोनों गाइस मुझे पूरा, मैं 100% श्योर हूँ ये दोनों का चक्कर चल रहा है, तो फटाफट से इन्हें पेलते हैं। इसका चक्कर चल रहा है और फ्रैंकलिन ने क्यों नहीं मारा उसे? फ्रैंकलिन गो मारो उसे। यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे सेल्फी ली जा रही है, सेल्फी ली जा रही है भाई, सेल्फी ली जा रही है। पर ये दोनों मार क्यों नहीं रहे भाई? वो देखो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है भागते भागते, मतलब इतना पिया हुआ है रात भर, क्या बोलूं। तो गाइज ये वही लोकेशन है फ्रैंकलिन ने बताया था जहां उसका ब्रेकअप हुआ था।
और जहाँ उसे धोखा मिला। तो चलो यार, यहाँ पे तहस नहस मचा देंगे गाइस हम। परिषद बजरंग दल इचल करण जी, बजरंग एक दो तुम्हारी है। बच के कहाँ जाओगे भाई, बच के। ओ शिट 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 किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब सिंगल रहेंगे बैंकर। तो गाइज आज काफी तहलका मचा दिया यार। पहले तो मैं उस फ्रैंकलिन को ढूंढो, वो गया तो गया किधर। ये रहा फ्रैंकलिन, इसे मार भी नहीं सकते ना। चल लेट ही जाते यहीं पे, अभी भी होश नहीं आया। खैर इसे तो होश मुश्किल ही आएगा। बाकी मेरा बॉडीगार्ड कहाँ गया भाई? दोनों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, कभी ये गायब हो जा रहा है तो कभी ये गायब हो जा रहा है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा यार इस बजरंग दल के तहलके को देख के। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार मेरे को कमेंट्स में आइडियाज दे देना कि और मुझको क्या क्या करना चाहिए, तब मजा आएगा ना। तो यार हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जरा इस फ्रैंकलिन को होश में लाता हूँ। बजरंग दल इचल करण जी, बजरंग I'm gonna make you mine.